यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था, इसके बारे में ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब से, तो वहाँ से मैं सीखता गया और मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करता गया। पहले पहले मैं चारकोल पोर्ट्रेट्स बनाता था, स्केचेस बनाता था। कश्मीर में ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है जैसे एक आर्टिस्ट को मिलना चाहिए, अगर होते भी है तो पता ही नहीं होता है लोगों को। एग्जीबिशन वहाँ पर अगर आते हैं तो आर्टिस्ट ही आते हैं, वहाँ पर लोग नहीं आते हैं। इनका जो आर्ट का सीन था वो बचपन से लेके अभी तक कंटिन्यू है, बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी फैमिली का सपोर्ट मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी सोसाइटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कभी वो साथ हो जाती है, बट एट लास्ट इनको अभी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, सोसाइटी भी इनको जान रही है, इनके आर्ट को एनकरेज कर रही है। मनी बडिंग आर्टिस्ट वो पूछ रहे थे कि ये मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कश्मीर में, अगर है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके बाद मैंने एक ट्विस्ट लिया, मैंने अपने जॉनरा वो चेंज किया। मैंने इसलिए किया ताकि मैं एक सोसाइटी को एक जवाब दे सकूं कि आर्ट इज़ नॉट बाउंड ओनली अप टू जो एक्सपेंसिव मटेरियल्स होते हैं या पेंसिल्स होते हैं, तो आर्ट इज़ फ्री। हम सब लोग जो सोसाइटी है या उनके रिलेटिव्स हैं, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं इसके ऊपर। मैंने बेसिकली सारा अपने ही आप सीखा यूट्यूब से, जहाँ पे कोई मुझे जो है मुश्किल आती तो मैं यूट्यूब से सर्च करके सीखता था। एग्जीबिशंस वगैरह होने चाहिए यहाँ पे ताकि ये अपना आर्ट शोकेस कर सके बाहर भी, और ये एक नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल जहाँ तक इनका रीच हो सकता है वहाँ तक ये पहुँच सके, ताकि बाकी लोगों को भी एनकरेजमेंट मिले और वो भी सामने आए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने वो बहुत ही सपोर्टिव थी मेरे लिए, मैं अगर उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे मुझे पहुँचाए तो वहाँ पे मैं अपना ये आर्ट दिखा सकता हूँ। परसों एलजी साहब आए थे पुलवामा में, बहुत एनकरेजमेंट मिली उनको वहाँ पे, उनकी तस्वीर वहाँ पे रिप्रेजेंट की उनको। एलजी साहब एक स्पेशल गेस्ट के तौर आए थे तो मैंने उनको उनकी पेंटिंग जो है वो गिफ्ट किया, वो बहुत ही खुश हुए, उनको बहुत ही पसंद आया, और मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आर्ट यहाँ पे अच्छा सा प्लेटफार्म मिलना चाहिए।